भरसिंह जी, आज लगातार जिस प्रकार से आदमपुर में चुनावी जो है सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, आज आप भी यहाँ आए हो, प्रचार कर रहे हो, कैसा आज माहौल मन देखते हैं? 15 दिन हो गए आज को कुल भी को अच्छा कितना दिन घड़े घुमाओ मेरा अच्छा 15 दिन हो गए पहले आ गए। अच्छा फिर गए, बहुत बढ़िया है मॉल की साहब, माहौल बहुत बढ़िया है एकदम ओके। तो कैसे मान लो कैसे प्रचार हो रहा है, मान लो घर घर जाके हो रहा है या मान लो नहीं घर घर जाके भी हो रहा है, वैसे मलिया में भी हो रहा है, दिल से भी हो रहा है, अब मांगो फरला तो लूस नहीं लो बाकी रहे हमारे तो दिल से हो रहा है। अच्छा मांग कोई को नहीं आने रहे हो तो क्या मान लो लोगों से बातचीत करते हो तो क्या मान लो उनको बताते वो हो? पूछा भी के बात का वोट दो, पहले मैं वोट दू वहां तो मैं मेरे सोचू फायदो, फिर मेरे परिवार को, फिर मेरे गाँव को, फिर मेरे तहसील को, जिले को, ये तो वोट देना चाहिए। अगर फायदा हो जाए पांच सौ जगह तो वोट देना चाहिए, नहीं वोट कमाए लोग यहाँ के लोग कहे कि भाई भजन लाल बढ़िया हो, भजन लाल के टाइम में सारी बात हुई, अब इन 20 साल हो गए की कौन करो नहीं गाँव ग्रांट भी पुट हो गए, अब मैं मतलब पर हूँ आगे की जाको तू गए मैं आगे की सलेमगढ़ आगे जागे हूँ पल्ले रोड तक सड़क इतनी टूटी पड़ी है, मैं एक बार ये मिल रहे हैं मारे तो पड़ी है जीटी रोड सड़क में दो दो फुट का खड्डा पड़े है, तो तीन चार तो एमएलए रहे, एक तो एमपी रहे, फिर यहाँ वो हाल है करियो के। तो कुलदीप तो कहता है ना कि मैं विपक्ष में था इसलिए काम नहीं रहा, कांग्रेस में खड़े हो, कांग्रेस में हो विपक्ष में ना हाथों, अब बीजेपी में गया है ना, इससे पहले तो कांग्रेस में था, कांग्रेस में तो कांग्रेस की सरकार में गए हैं, मैं बात रहा हूं गए हो गए मैं कांग्रेस में गए हो एक बार एमएलए बन गए मेरे लकम जाके देखो दिखा एक सड़क फूटड़ी दिखा दो तो अरे मैं बेटो में हूं आपको बेटो न कम है मौके से मारा को। विधायक जी आपने इलाहाबाद उपचुनाव भी देखा उसके बाद अब ये आदमपुर उपचुनाव है, तो दोनों उपचुनाव किस प्रकार देखते हैं? नहीं बैठे वो चुनाव हो रहे अठे हो रहे बैठे तो मैं बिल्लू रुपये लाने नंबर गए भाई अरे की है अरे तो लुगाइए चुनाव लड़ते हो जाए डर की है लाने नंबर गए पूरा हरियाणा में सबसे दिल में ही है और ना करे गड़बड़ मारल तो करे ही करे है इलाहाबाद तो करे ही करे बंग सामने में जाके तो करे ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कांग्रेस का जो हाल इलाहाबाद में हुआ था वो यहाँ होने वाला है, इसको क्या कहोगे? कांग्रेस को वो कुलदीप को वो बीजेपी को और कांग्रेस को है ना वो ही हाल होने वाला है, कांग्रेस जीतेगी रहे अब कुलदीप को होने वाला। ठीक है प्लस लेगा आज के दिन 20,000 प्लस है अब पता ही बताएगा तो आखिरी जमानत तक जा लेगा कोई पीछा लगा भी नहीं देगा।